वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग रोल ऑफ रेडियो ट्रेसर्स पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर तो स्टूडेंट्स बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी से वीडियोज़ होगी हम लोग पहले देखेंगे कि रेडियो ट्रेसर्स होते क्या है उनका इंट्रोडक्शन और उनके बाद उनके रोल के कुछ हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं और बहुत ही छोटी सी वीडियो है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी हम देखते हैं कि रेडियो ट्रेसर्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स आपने इससे पहले जितनी भी न्यूक्लियर न्यूक्लियरिकल टेक्निक्स में वीडियोस पढ़ी हैं उनमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि रेडियो एक्टिव एसा क्या होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेडिशन्स को इमिट करते हैं और इमिट करने के बाद अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो आगे इसी टॉपिक की एक और एक्सटेंशन है रेडियो ट्रेसर्स रेडियो ट्रेसर्स क्या होते हैं इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत इजी सा इंट्रोडक्शन दिया है कि रेडियो ट्रेसर जो हैं ये असल में रेडियो एक्टिव सबस्टांस हैं जो गामा रेडियशन या पॉजिट्रॉन्स को एमिट करते हैं उसके अलावा इनको हम लोग रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी बोलते हैं अब न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक के अंदर हम लोग रेडियो ट्रेसर को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर रेडियो ट्रेसर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट आर इंटेंशनली इंट्रोड्यूस इन टू आर सैंपल आर सिस्टम टू ट्रेस एंड स्टडी स्पेसिफिक प्रोसेस कि ऐसे सबस्टांसिस ऐसे कंपाउंड जिनको हम लोग किसी परपज़ के लिए यूज़ करते हैं इनको हम लोग अपने सैंपल या सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारे सैम्पल की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करके देते हैं तो ये डिटेक्टर के तौर पर या ट्रेसर के तौर पर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो ट्रेसर्स को दीज emit इमिट radiations which अलाउ researchers टू monitor देयर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर विद इन system. जब हम लोग इनको किसी सिस्टम या किसी भी सैम्पल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं रेडियो ट्रेसर्स को तो ये वहाँ जा कर को इमिट करते हैं और उन इमिटेड रेडिएशंस को जब हमारे रिसर्चर्स या साइंटिस्ट डिटेक्ट करते हैं तो उस सैम्पल या उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स है तो उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी बहुत ही सिंपल एंड ईजी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर हमने कैंसर सेल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है बॉडी में तो रेडियो ट्रेसर्स उसको ट्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं इसके अलावा हमारे कोई पाइप्स हैं उनके अंदर कोई ख़राबी आ गई है इलेक्ट्रिकल पाइप्स हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं उनमें कहीं पे ख़राबी है हमें नहीं पता कहाँ पे हैं तो हम रेडियो ट्रेसर्स को यूज़ करेंगे उस सिस्टम के अंदर उन तारों वगैरह के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे और हमें जहाँ पे ख़राबी है वो पता चल जाएगी तो ये बेसिक पर्पस है हमारी डेली लाइफ में रेडियो ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं न्यूक्लियर एनलिटिकल टेक्निक्स के हवाले से इनके कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक कि रेडियो ट्रेसर्स का मॉडर्न न्यूक्लियर टेक्निक्स के अंदर क्या रोल है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और वर्सेटाइल ओवरऑल ओवरऑल द वर्ल्ड इनका रोल है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं दिस सर्व एस इन वैल्यूएबल टूल्स फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेरियस प्रोसेस एट द ऑटोमिक एंड मोलिकुलर लेवल इनके ज़रिए से हम लोग ऑटोमिक और मोलिकुलर लेवल तक भी अपने जो प्रोसेस हैं उनको स्टडी कर सकते हैं और ये उसमें बहुत ही इन वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं मतलब बहुत ही क्रिटिकल या क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं इनके कुछ की रोल्स हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर प्ले कर रहे हैं ये उनको हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर क्या क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट आइडेंटिफाइंग पाथवेज एंड मेकनीज़म्स मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस एंड इंडस्ट्रियल अपलिकेशन फंडामेंटल रिसर्च एंड डिस्कवरीज वग़ैरह स्टूडेंट्स कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाभ शेयर करें और मेरी हेल्प करें मेरे चैनल को ग्रो करने में सबसे पहला जो रोल है रेडियो ट्रेसर्स का न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक के अंदर वो है ट्रैकिंग एंड मोनीटरिंग कि रेडियो ट्रेसर्स ट्रैकिंग और मोनीटरिंग के लिए यूज़ होते हैं रेडियो ट्रेसर्स ट्रैक द मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स और कंपाउंड इन कम्प्लेक्स सिस्टम्स अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं हमारे पास कम्प्लेक्स मैथड्स हो रहे हैं उनके अंदर रेडियो ट्रेसर जो हैं उनमें होने वाले जो एलिमेंट्स हैं या जो भी आइटम्स हैं उनकी ट्रैकिंग या उनकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग रेडियोटिव आइसोटॉप्स एज ट्रेसर्स रिसर्चर्स कैन डिटेक्ट हाउ दे इंटरेक्ट विद डिफरेंट मटेरियल्स। स्टूडेंट्स रेडियोटिव आइसोटॉप्स को एज अ ट्रेसर अगर हम इंट्रोड्यूस कराएँ किसी सिस्टम के अंदर या किसी भी एनालिटिकल मेथड के अंदर तो उसके एटम्स किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे ये सब चीज़ें भी हमें पता चल सकती हैं इन दिस वे द दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का सोलूशन भी हमें मिल जाता है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो रहे हैं मैकेनिकल प्रोसेस जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहे हैं अगर हम उनके अंदर रेडियो ट्रेसर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो हमें छोटी से छोटे लेवल के ऊपर भी ट्रेसिंग करके और मॉनिटरिंग करके हमें केमिकल्स के बारे में बता देंगे आइटम्स के बारे में हमें पता चल सकता है और हर तरह की इंफॉर्मेशन उस सिस्टम या उस केमिकल रिएक्शन की के हमें मिल सकती है यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर इंट्रोड्यूस कराए हैं रेडियो ट्रेसर्स साइंटिस्ट ने तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके सेल के अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उन तक को भी ट्रैक कर सकते हैं नेक्स्ट आता है क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट अब रेडियो ट्रेसर्स न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स में क्वांटिफिकेशन और मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं दे अलाउ एक्यूरेट एंड सेंसिटिव मेयरमेंट्स इन न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स अब न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स में या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें आने वाली जो चेंजेस हैं उनकी सेंसिटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम लोग रेडियो ट्रेसर्स को यूज़ करते हुए बाई डिटेक्टिंग एंड क्वान्टिफाइंग द इमिडियट रेडिएशन फ्राम रेडियो ट्रेसर्स रिसर्चर्स माइंड कंसेंट्रेशन रिएक्शन रेट्स एंड अदर इसेंशियल पैरामीटर्स अब स्टूडेंट्स कोई भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है अगर उसके अंदर हम लोग रेडियो ट्रेसर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे रेडियो ट्रेसर्स उसमें जाके जो भी रेडिएशन इमिट करेंगे उनकी इमिडियट रेडियशंस को अगर हम लोग डिटेक्ट कर लें तो उससे हमें अपने रिएक्शन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेश्स मिल सकती है जैसे कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल सकता है हमें कंसनट्रेशन वगैरह का पता चल सकता है इसी तरह और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जिनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैयर कर सकते हैं और क्वान्टिफाई कर सकते हैं यूजिंग रेडियो ट्रेसर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग पाथवेज एंड मैकेनिज़म्स अब हमारा कोई भी केमिकल प्रोसेस है या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हमें नहीं पता कि वो किन प्रोसेस के ज़रिए से हुआ है तो हम रेडियो ट्रेसर्स को यूज़ करते हुए अपने किसी भी सिस्टम या प्रोसेस का पाथ जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दे हेल्प इन आइडेंटिफाई रिएक्शन पाथवेज तो बेसिक क्या यहाँ पे करेगा ये हमें रिएक्शन के पाथवे के बारे में बताएगा और उसमें कौन कौन से मैकेनिज़म्स हो रहे हैं उनके बारे में तो ये बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं उनके अंदर होने वाले पाथवेज या मैकेज़म्स का हमें पता चल सकता है रेडियो ट्रेसर्स को यूज़ करते हुए न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक के अंदर दे प्रोवाइड इन साइट इंटू द सीकुंस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज एंड पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स अब हमारे रिएक्शन का सीक्वेंस क्या है ये हमें उसके बारे में भी बताते हैं फिर उनके दरमियान अगर कोई इंटरमीडिएट स्पीशी बन जाती है जैसा कि आपने एफ एस सी की बुक में पढ़ा था कि ऐसा टू रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है अब जाहिर तौर पे तो वो हमें नहीं मिलता रिएक्शन में देखने के लिए लेकिन वो अंदर बना था तो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए भी हमें ट्रेसर्स हेल्प करते हैं रेडियो ट्रेसर्स उसके अलावा हमारे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो रिएक्शन में आ रहे हैं उनको भी बताते हैं रेडियो ट्रेसर्स इन दिस वे दे हेल्प रिसर्चर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस तरह से रिसर्चर्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि हम लोगों ने सीजियम के रेडियो ट्रेसर को यूज़ किया है ये कोई भी हमारे पास सीड है उसके ग्रो होने के लिए अब सीड को हम लोगों ने जो है उसके ऊपर रेडियो ट्रेसर्स हमने इंट्रोड्यूस कराए और हमने उस सीड को मट्टी में लगा दिया अब हम जब पौधा उगता हुआ देखेंगे तो हमें तो बाहर से सिर्फ पौधा नजर आएगा या जो भी उसमें से पिलोम्योल या रेडिकल निकलता है उसको तो हम पता कर सकते हैं लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे सीड के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हुए हैं कौन कौन से इंटरमीडिएट फेजिज़ आई हैं तो हम जो सीजियम से निकलने वाली रेडिएशन हैं जब उनको स्टडी करेंगे तो इस तरह से फेजिज़ हमारे पास सारे आ जाएंगे तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि हम लोग किस तरह से रेडियो ट्रेसर को यूज़ करते हुए अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इंटरमीडिएट मीडिएट्स या उसके पाथवेज वगैरह को पता कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रेडियो ट्रेसर्स की न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर वो है मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस स्टूडेंट्स मेडिकल के अंदर रेडियो ट्रेसर्स बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर मेडिसन के अंदर रेडियो ट्रेसर्स किस लिए यूज़ होते हैं इमेजिंग के लिए मेडिकल इमेजिंग के लिए उसके कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि पी ई टी पोजिशन इमिशन टोमोग्राफ़ी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम्पल है ये पी ई टी की दी हुई है किस तरह से पी ई टी के ज़रिए से हम लोग मेडिकल इमेजेस ले रहे हैं या रेडियो ट्रेसर्स को यूज़ करते हुए और हमें किस तरह कितनी क्लियर तरह की इमेजेस मिल सकती हैं रेडियो ट्रेसर्स की हेल्प से उसके अलावा एक और यहाँ पे टेक्निक है एस पी ई सी टी सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये टेक्निक यूज़ करके हम लोग अपने ब्रेन बॉडी के किसी भी पार्ट्स के इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं उनकी मेडिकल इमेजिंग हासिल कर सकते हैं यूजिंग रेडियो ट्रेसर्स तो मेडिकल की फील्ड के अंदर रेडियो ट्रेसर्स की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है दे आर यूज टू विजुअलाइज एंड डायग्नोज डिजीज़ इनके ज़रिए से हम लोग अपनी डिजीजेज़ को डायग्नोज कर सकते हैं बॉडी के अंदर और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनकी ट्रीटमेंट के बारे में और उनकी मोनीटरिंग के बारे में नेक्स्ट आता है इन्वामेंटल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो ट्रेसर्स के न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक के अंदर रेडियो ट्रेसर्स हमारे इन्वामेंट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशनस के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स हमारी कोई मशीनरी है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के अंदर और उसके अंदर कहीं पे ख़राबी आ गई है अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ से ख़राब हुई है तो हम उसमें जैसे ही रेडियो ट्रेसर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे रेडियो ट्रेसर से निकलने वाली जो रेडियशनस हैं उनको जब हम लोग डिटेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से सिग्नल आ रहे हैं और किस जगह पर मशीन के डिफेक्ट पाया जाता है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसी तरह इन्वायरमेंट के अंदर इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ये हमारे डिफरेंट पोलूशन के जो एलिमेंट्स हैं हमारे इन्वामेंट के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी हम लोगों ने डिटेक्ट करनी है फॉर एग्जांपल हमने वाटर में इम्प्योरिटी डिटेक्ट करनी है तो रेडियो ट्रेसर्स उसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा इसको पढ़ते हैं द फाइंड एप्लीकेशन इन्वायरमेंटल मोनिटरिंग स्टडी प्लूटेंट्स डिस्पर्सन एनालाइज इंडस्ट्रियल प्रोसेसिस ये प्लूटेंट्स की डिस्पर्सन को स्टडी करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं हम लोग रेडियो ट्रेसर्स को यूज़ करते हुए दे हेल्प इन एवेलुएटिंग पोल्यूशन सोर्स ट्रांसपोर्ट एंड फेट ऑफ कंटेमिनेट्स इन वेरियस इन्वायमेंटल सेटिंग्स अभी हमारे पोल्यूशन के सोर्स को एवेलुएट कर सकते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट वगैरह को हमारे कंटेमिनेंट्स वगैरह आगे किन किन प्रोसेस से गुजरेंगी इन सब चीज़ों को तो हमारे इन्वामेंटल सेटिंग के अंदर रेडियो ट्रेसर्स बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स एक और यहाँ पे एप्लीकेशन बताई गई है कि रेडिएशंस को यूज़ करते हुए वो रेडिएशंस जो रेडियो आइसोटॉप्स रेडियो ट्रेसर्स जिनको इमिट करते हैं हम लोग प्लांट्स की फिजियोलॉजी को भी स्टडी कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास एक लीफ था हमने लीफ के ऊपर रेडियो ट्रेसर्स इंट्रोड्यूस कराए उन रेडियो ट्रेसर्स ने जब रेडिएशन को इमिट किया तो उन रेडिएशन को हम लोग ने डिटेक्ट किया तो हमें कैमरा से जो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर था इसकी फिजियोलॉजी थी वो पता चल गई ये कैमरा से हम देख रहे हैं और ये लीव से आने वाले रेडिएशन ने ये ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाली जो डायग्राम है अंदर की फिजियोलॉजी उसके बारे में बता दिया है नेक्स्ट आता है फंडामेंटल रिसर्च एंड डिस्कवरीज़ स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक के अंदर रेडियो ट्रेसर्स रिसर्च के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये हमारे रिसर्च मटीरियल हैं डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट करते रहते हैं और इनकी रिसर्च करते रहते हैं रेडियो हैव बीन इंस्ट्रोमेंटल इन मेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज इन फील्ड लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी इनसे हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकते हैं दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू एडवासमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रोसेस इन नेचर इनकी वजह से हम लोग नेचर के प्रोसेसिस को अंडरस्टैंड करने लग गए हैं और उनमें हमने बहुत सारी एडवांसमेंट्स अचीव कर ली हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो थी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें अपने रिव्यूज़ का अल्लाह हाफिज़ बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ